अच्छा सर, ये जो बात आपने की है ना जी जावेद अख्तर की, आई एम ग्लैड यू रेज दिस इशू। मैं उसकी भी बात करना चाह रहा था, या किसी और प्रोग्राम में हम ज्यादा डिटेल में कर लेंगे। आपने जावेद अख्तर पे जो वीडियो बनाई है सर, जावेद अख्तर को कभी किसी ने नहीं कहा कि वो हिंदुत्व का सपोर्टर है, आपने उनको हिंदुत्व का सपोर्टर बनाया है। तो आपने तो यहां तक भी आप गए कि आपने कहा है कि उसको पाकिस्तान आने क्यों दिया जाता है, वो बिल्कुल पाकिस्तान को बिला वजह क्रिटिसाइज करता है। तो सर, ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पे आप मैं यकीन रखते जवाब हैं क्या? देता हूँ। नहीं, मैं आप दे देता हूँ सर। देखो धार्मिक, आप एक मिनट रुक जाइए, मैं शकील साहब को जवाब देता हूँ। देखिए, जावेद अख्तर को मैंने, जावेद अख्तर ने हिंदुत्व की में जाने की कोशिश की है कई दफा, और हिंदुत्व वालों ने नहीं उसे पाथ फटकने दिया। उसने हमेशा से गवर्नमेंट को खुशामद की है। इसी तरह से वो मेंबर पार्लियामेंट बना, वो राज्यसभा का मेंबर बना, और उसने जो बातें कही, आप एक एक करके, कांग्रेस हमने का आपको कहीं दस, बना है वो। मैं धार्मिक, मैं आपसे बात नहीं कर रहा, मैं शकील साहब से बात कर रहा हूँ। शकील साहब, आपको मैंने 10 पॉइंट्स लिख के दिए थे जब आपका एक प्रोग्राम नहीं शुरू हुआ था फेसबुक के ऊपर। हमने कहा आप यस और नो में इसका जवाब दे दीजिए भाई, जावेद अख्तर शो में। आपने एक का जवाब नहीं दिया क्योंकि आप उसमें फंस रहे थे, हर चीज में फंस रहे थे। अब आप बताइए कि जावेद अख्तर ने कहा है, और मैंने उसको वीडियो दिए हैं, कि मुसलमानों को हिंदुओं से सीखना चाहिए। आपके ख्याल में सीखना चाहिए जी मुसलमान? आप मुझे बिल्कुल बोलने सीखना चाहिए। दीजिएगा, अरे आप प्लीज मुझे एक अपना मिनट, अभी दीजिएगा। सर एक मिनट। दूसरी बात उसने कही कि हमारे पेरेंट्स जो थे वो मुसलमान नहीं थे क्योंकि वो सिविलाइज्ड लोग थे, तो इसका मतलब मुसलमान सिविलाइज नहीं हो सकता है, समझे आप? तीसरी बात उसने कही कि गुजरात में जो रॉयट्स हुए थे वो इसलिए हुए थे क्योंकि मुसलमान सेकुलर नहीं है। मतलब गुजरात में जो मुसलमानों को इतना मारा गया, उसमें 2 साल के 4 साल के बच्चे भी शामिल थे, वो सेकुलर नहीं थे। ये सारी बातें आप कहते हैं कि वो ठीक थी सारी, और मैंने आपसे यही कहा था कि आप ये सुनो, कि आपने नहीं किया ये। आप मुझे बोलने देंगे प्लीज? बिल्कुल आप प्लीज, बोलिए, हाँ इंटरप्ट ना कीजिएगा प्लीज, आप मुझे सुन लीजिएगा सर। बिल्कुल मैंने आपका प्लीज। वो वीडियो जो है ना सुन रहे, प्लीज आप ना बोलिएगा, प्लीज ना बोलिएगा। मैंने आपका वो वीडियो पहले भी देखा, आज भी देखा। एक तो उसमें कंट्राडिक्शन ये है, आपने उसमें कहा कि जी मैं आपके कमेंट्स का इंतजार करूंगा, और आपने कमेंट्स का सेक्शन डिसेबल कर दिया, और मेरे ऊपर आपने इल्जाम लगाया कि मैं ऑब्जेक्टिव जर्नलिज्म नहीं करता। आपका वो जर्नलिज्म कितना ऑब्जेक्टिव था? आपने जावेद अख्तर को बार बार मिसकोट किया, आपने वजाहत अहसन खान ने जो उसका इंटरव्यू लिया उसका क्वेश्चन सुनवाया, उसका जवाब नहीं सुनवाया, और उसको भी मिसकोट किया। जावेद अख्तर ने यह बात नहीं की थी, जावेद अख्तर ने यह कहा था कि मुसलमानों को सेकुलरिज्म के साथ देना चाहिए, सेकुलर फोर्सेस का साथ देना चाहिए, और ये फैशिज्म के खिलाफ उनको ज्यादा एक्टिव होना चाहिए। और दूसरा जो उन्होंने ये कहा कि मेरे बाप माँ बाप मुसलमान नहीं थे, उन्होंने ये बात नहीं की। उन्होंने ये कहा था कि मेरे पेरेंट्स का ताल्लुक इस्लामिक कल्चर से नहीं था। आप उनको मिसकोट कर रहे हैं और बार बार कर रहे हैं। आपने ये भी कहा कि जावेद अख्तर को पाकिस्तान में आने क्यों दिया जाता है। तो ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पे आप यकीन रखते हैं जब आप किसी बंदे पे बैन लगवाना चाहते हैं? नहीं, सर मैं अभी ऐसा अभी एक पॉइंट मैं रेज कर लूं सर, ये जवाब दे एक लूं, धार्मिक मैं इनका जवाब दे लूं। देखिए आप जो है ना, आप गलत, क्या आप मिसकोट कर रहे हैं जावेद अख्तर को, और उसमें मिसकोट करने की कोई जरूरत ही नहीं क्योंकि वीडियो मौजूद है, वीडियो मौजूद है उसका। वीडियो हम लोग किसी वक्त किसी और प्रोग्राम में उसका प्ले करेंगे ताकि ऑडियंस जो है वो भी देख लें कि उसने ये कहा कि हमारे पेरेंट्स को आप मुसलमान ना कहिए क्योंकि वो डिसेंट लोग थे, डिसेंट लोग, ये कहा उसने। आप डिनाई कर रहे हैं। जब उसने, वो जो जर्नलिस्ट था, उसने गुजरात रॉयट्स के बारे में पूछा तो कहने वो सेकुलर नहीं थे। बाबरी मस्जिद पे कभी उसने कोई स्टेटमेंट दिया है, कंडेम किया है? हिंदुओं ने कंडेम किया है बाबरी मस्जिद के डिमोलिशन को, लेकिन जावेद अख्तर ने कभी किया है? उसने कभी ईद बकरीद की मुबारकबाद दी है? जन्माष्टमी की मुबारकबाद देता है वो? करके रुक जाइए, हम भी यहाँ पे कुछ। प्लीज लेट मी फिनिश, प्लीज लेट मी फिनिश। उसने ट्विटर के ऊपर जन्माष्टमी पे मुबारकबाद देता है, कभी उसने हिंदू ईद बकरीद पे मुबारकबाद दी है? तो वो ये तो है ही है। आपके आपने बोल दिया है, आप काउंटर तो करने दीजिए। आपके ये वीडियो हमने पूरा देखा है, उसमें आपने बोला हाँ है सब। ये लोग भी जो तो हमको आप देखे तो वो भी देख लेंगे आपका वीडियो, उसका भी लिंक अपने रख दीजिएगा इसमें।
बिल्कुल रखिएगा। आपने आपने ऐसा कहा कि जो मुसलमान जो आते, जैसे शाहिद भाई सिद्दीकी का नाम लिया कि उसकी मजबूरी है फेवर में बोलना, आपने ओवैसी को सुना है एक भी बार उसकी कुछ मजबूरी है ये सब बोलना? वो क्या कहता है, कोई सोच भी सकता है कि कोई दूसरे इस्लामिक कंट्री में कोई, अभी आप कहेंगे कि इसका इसके साथ लेना देना नहीं है, ये कड़वा कड़वा तू तू मीठा मीठा गुप गुप, ये हम हिंदू है इसलिए हम सुन सकते हैं आपको, ये जानते हैं इसलिए ये सब बोलते हैं, अगर 80% के जगह उल्टा होता, मेजोरिटी में मुस्लिम होते तो ये जिंदा भी नहीं रखते, पाकिस्तान में कैसी हालतें देखते हैं। और बात है बार बार आप जो हिंदुत्व के गुंडे, ओसामा बिन लादेन क्या कुरान का गुंडा था, वो इस्लाम का गुंडा था? आप बोल रहे हैं कि हिंदुत्व के गुंडे, जो अजमल आमिर कसाब आया था वो इस्लाम का गुंडा था, इस्लाम का आतंकवादी था? इस्लाम में बहुत आतंकवादी एक दो दर्जनों के हिसाब से, मतलब आप एडमिट कर रहे हैं इस्लाम में आतंकवाद है? पूरी दुनिया में बिल्कुल है आतंकवाद, बिल्कुल है, हल्ले सारी मुसीबत तो वही लाए हुए हैं। लेकिन ये कि हिंदू, मैं इस वक्त बात मुसलमानों की नहीं हो रही, इस वक्त हिंदुओं की बात हो रही, बीजेपी की बात हो रही है। तो देखना चाहिए ना, आप सुनने को तैयार नहीं है, हम पॉइंट टू पॉइंट कर रहे हैं, आप अपनी सुनी सुनाई बातों पर चले जा रहे हैं। जो माइनॉरिटी के लिए जो अच्छा कर रही है वो भी आप बोलिए, और जो एलिगेशन लग रहा है कि जो कुछ बुरा किया तो पॉइंट टू पॉइंट कीजिए कुछ ऐसा। अगर आपको कहे कि गवर्नमेंट का काम है लॉ बनाना, व्यवस्था करना, कोई भी एक एक्शन बता दीजिए, कोई लॉ भी, कोई एक्शन, कोई व्यवस्था कि इसने माइनॉरिटी के खिलाफ किया हो। ये तो क्या सब हवा में बातें हैं कि कोई कहता है और आपके जर्नलिस्ट चलाएंगे देश की, जो गवर्नमेंट जो बोलती है ऑफिशियली वो चलेगा, कोई भी इसका एक्शन आप नहीं गिना पाओगे कि कुछ गलत किया है। हम लोग नाराज है कि ये ज्यादा अपीजमेंट कर रहे हैं, कांग्रेस से भी ज्यादा अपीजमेंट ये गवर्नमेंट कर